शराब कारोबारियों का कहना है कि कोरोना काल में शराब कम क्यों पिलाई, इस बात पर हमारे करों की वसूली के लिए ढोल बजाकर जलील कर रही है संपत्तियां नीलाम करने के विरोध में ढोल बजाओ सरकार जगाओ पेनल्टी हटाओ यात्रा प्रदेश भर में निकली जा रही है। मैरवा तहसील में पहली नीलामी बद्रीलाल मीणा की हो रही थी, वहीं पर प्रदेश भर के शराब व्यापारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ हल्ला बोल कर नीलामी को रुकवाया। विरोध को देखते हुए 8 व 13 दिसंबर को होने वाली नीलामियां भी सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई है। तस्वीर बूंदी के मैनवा की है। वही लेकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब से सरकार चलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान में हो रही सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। वही शराब व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश भर के शराब व्यापारी अपने बीबी बच्चों सहित ढोल नगाड़ों के साथ 2 किलोमीटर आगे आगे ढोल बजाओ सरकार जगाओ पेनल्टी हटाओ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारी को लेकर आज एरोड्रम चौराहे पर व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में संगठन मंत्री जयसिंह गुर्जर, हरिशंकर, ओम गुर्जर, रवि कुशवाहा, राजेंद्र कुमार, देवेंद्र बन्ना, चैन सिंह, गिरिराज पारेता, हेमंत कुमार, अमर सिंह राठौर, भवर सिंह, भरत सिंह, अरविंद कुमार सहित अनेक पदाधिकारियों ने भाग लिया। शराब से सरकार चलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। कोरोना काल में पिछले 2 साल में जो कोरोना का समय रहा उस समय शराब नहीं बिकी। सरकार द्वारा बार बार शराब की दुकानों को बंद करवाया गया, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, कई जगह तो समय भी बदला गया। इस तरीके से सारे शराब व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। भरपाई तो शराब व्यापारियों की सरकार को करनी चाहिए थी कि कोरोना काल में उनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। ठीक उसके उल्टे सरकार सभी शराब व्यापारियों की संपत्तियां नीलाम करने के आदेश जारी कर चुकी है कि आपने कोरोना काल में शराब कम क्यों पिलाई, तो उसमें हमारी क्या गलती है? इन्वेस्टमेंट हमारा था, शराब ज़्यादा बिकती तो मुनाफा हम लोगों का होता। सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट है, फिर भी सरकार को जिसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको तो घाटा हो गया, और जिनके करोड़ों रुपए लगे हुए थे पूरे प्रदेश में वो कह रहे हैं वो मुनाफे में है। इसलिए सरकार जिस तरीके से नीलामियां राजस्थान में कर रही है हम उसका विरोध करते हैं। कल हमने नैनवा में नीलामी को रुकवाया है। अभी राहुल गांधी की यात्रा इधर से आ रही है कोटा से। पूरे राजस्थान के शराब व्यापारी अपने बीबी बच्चों के साथ ढोल बजाओ सरकार जगाओ प्लेंटियाँ हटाओ यात्रा निकालेंगे। जहाँ जहाँ राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में जाएगी ठीक उससे 2 किलोमीटर आगे आगे पूरे राजस्थान के शराब व्यापारियों की यात्रा निकलेगी। नाम और पद बताता। मेरा नाम है पंकज धनखड़, मैं लिखकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष।